हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ये फ्रेज आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं। जनरली हम में से ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, जहाँ पे हम कैलकुलेटेड या अनकैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 5 से 10 साल के बाद रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज लिटिल बिट डिफरेंट देन दिस। कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़े, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन इसका जो रिटर्न्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0% रिस्क इन्वॉल्व रहता है और 100% आउटकम्स आप ले सकते हैं। बिकॉज जब आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटकम्स ले सकते हैं। अभी मैं आपसे 4 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिससे आप इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ की जर्नी को और अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, और अगर इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, सक्सेसफुल लॉन्ग रन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्ट इन योर बॉडी। जब आप यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, इम्यूनिटी सिस्टम हाई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जिसका आप कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेज भी उठाते हैं और अपने बॉडी का केयर करना भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ, एजिंग के इफेक्ट के साथ आपकी बॉडी वीक पड़ने लगती है, स्ट्रेंथ जाने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मसल पेन शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पे 70 प्लस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उस एज से बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और एजिंग का कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट आता ही है। लेकिन हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इस चीज़ को डिले कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को लंबे टाइम के लिए इंजॉय कर सकते हैं। अब हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और आपकी एबिलिटी पे। इसके लिए आप एक अच्छा ट्रेनर हायर करके उसकी मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको एक एक्सरसाइज प्लान, एक्सरसाइज शेड्यूल बना के दे सकते हैं जिसको आप ऑल द वीक फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे वापस जाके पूछ सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से ये दिक्कत हो रही है, फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे जाके वो एक्सरसाइजेस चेंज भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अपनी बॉडी को अच्छे शेप में लाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छी डाइट के लिए आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की डाइट की ज़रूरत है, कि कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कितने कार्ब्स की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको डाइटिशियन अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस, वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को लगातार बढ़ा सकते हैं अपने बढ़ती हुई उम्र के साथ। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्ट इन योर आइडियल न्यूट्रिशन प्लान। अब आप में से लोग सोचेंगे कि ये कैसा पॉइंट है, हम सब लोग अपने न्यूट्रिशन का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। नो डाउट इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ चुके हैं, ऐप्स आ चुके हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान देने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये सारे डाइट प्लान हर बंदे के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, बिकॉज सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, डाइटरी प्लान अलग अलग होते हैं। किसी को हाई कार्ब्स की जरूरत होती है, हाई प्रोटीन्स की जरूरत होती है, किसी को लो कार्ब्स की जरूरत होती है, लो प्रोटीन की जरूरत होती है, इस तरह के डिफरेंसेस होती हैं बॉडी टू बॉडी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कई फूड से एलर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर से, शेलफिश से, और ऐसे बहुत सारे लेमन प्रोडक्ट्स हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है। तो इसके लिए आपको सर्टिफाइड डाइटिशियंस को फॉलो करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपका एलर्जिक टेस्ट कर सकें और उसके बाद एक अच्छा सा डाइट चार्ट प्लान कर सकें आपके लिए, जिसको आप फॉलो करें और अपनी बॉडी को और अच्छे से इंजॉय करें। तो अच्छी बॉडी के लिए, लाइक वी से हेल्थ इज वेल्थ, तो अच्छी हेल्थ के लिए आपको अच्छा डाइट लेना जरूरी है, अच्छे न्यूट्रिशंस लेना जरूरी है। कौन सी फ्रूट्स, फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, कौन से फूड्स आपको डाइट प्लान में लाने चाहिए, तो ऐसा करके हो सकता है आपको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगे, क्योंकि आप अपने फेवरेट फूड से दूर हो जाते हैं
और ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहते हो तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो आपकी बॉडी पे की गई है, इससे आप बहुत अच्छा आउटकम कम्स ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी माइंड के साथ रहेंगे, तो बहुत अच्छे आइडियाज़ के बारे में सोच सकेंगे और उसके ऊपर काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो आप इंसान सुबह होते हैं वो आप शाम को नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो आपको पहले से नहीं आती हैं, या आपने पहले नहीं देखी हैं, या आपने पहले कभी नहीं की हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आप में कुछ तो डिफरेंस आया, तो आप कुछ तो अलग हुए। ऐसे ही जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे अपना माइंड सेट करके जाते हैं, क्लियर करके जाते हैं कि हमको किस स्ट्रीम को चूज़ करना है, क्या स्टडी करनी है और हमको अपनी लाइफ में क्या बनना है। लेकिन बहुत सारा टाइम ऐसे देखा गया है कि जो लोग इंजीनियरिंग करके पास आउट होते हैं या डिग्री करके लॉ करके पास आउट होते हैं, वो कुछ और ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई इंजीनियर अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकला, तो कई बार होता है कि वो इंजीनियरिंग के काम छोड़ के बैंकिंग के काम कर रहा है। जैसे MBA वाला चाय बेच रहा है और लॉ वाला बारबर की शॉप खोल रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कोई 4 साल के लिए लिमिटेड नहीं है या किसी स्कूल या कॉलेज के लिए लिमिटेड नहीं है। लर्निंग इज लॉन्ग लाइफ लर्निंग और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। जो लोग इंगेज रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया आइडियाज़ ढूंढने के लिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको कई बार ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं जो उनके पढ़ाई से या उनके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं रहता है, उनके लर्निंग से रिलेटेड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं और आगे जाके बहुत अच्छे बिजनेस सेटअप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो जो एजुकेशन और लर्निंग है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो हमको कंटिन्यूसली इंगेज रहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया फाइंड करने के लिए, ताकि हम उससे कुछ बेनिफिट ले पाएं। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्दी बाउंड्रीज। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर ना करें, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों लोगों के किए गए गलती से या फिर उनकी बातों से इफ़ेक्टेड होते हैं और एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन कि फिजिकल मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी रेस्ट टाइम फिक्स कर सकते हैं, नींद के लिए एक फिक्स टाइम बना सकते हैं जिसमें दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें कि उस ड्यूरेशन में आपको डिस्टर्ब ना करें और अच्छे से अपनी बॉडी को रेस्ट दें। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऐसे प्रोफेशनल से मिलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमको पता भी नहीं होता है कि हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना पैसा और टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ से आप अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो ज़्यादा टॉक्सिक पीपल हैं, जो आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं या जिनसे आपको परेशानी होती है, उनसे आप थोड़ी दूरी बना के रखें। इस तरह से आप अपने इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ? अब ये 4 पॉइंट्स जो हमने अभी सुने, ये सुनने में तो बहुत आसान लगे होंगे यार, आपको लगा होगा बहुत आसान है यार इसको करना, लेकिन इसको करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और पूरा डेडिकेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप सच में अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों के साथ अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करें और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इसी तरह से इन्वेस्टेड रहते हैं अपने ऊपर, तो आप लॉन्ग टर्म में इससे बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको हेल्दी रहना है और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, सक्सेस को एंजॉय करना है, तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा और इस कंडीशन में रहना पड़ेगा कि तो आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर सिचुएशन आए तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएं। और उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ, अपनी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन, अपनी लर्निंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप डे बाय डे ग्रो करते जाएं और सक्सेस को एंजॉय कर पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को एंजॉय कर पाए। और अगर और भी कोई टॉपिक्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।